कोरोना की महामारी अपनी चरम सीमा पर है। हमारी राज्य सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन कर रखा है ताकि हम सब की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो और हम भी सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने घरों में सुरक्षित हैं। मित्रों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी अभी परीक्षा होना बाकी है, बारहवीं क्लास के वे स्टूडेंट्स जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित इंग्लिश लिटरेचर का आगामी पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों के लिए उनके पेपर में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर मैं 1 से लेकर 100 तक के नियम एरर करेक्शन से रिलेटेड लाया हूँ। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इन सारे रूल्स के आधार पर आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हम पहले रूल की तरफ देखते हैं। आफ्टर लेट, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म। देखो मित्रों, इस रूल में हमारे लिए यह बताया गया है कि लेट के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना आकर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, लेट वर्ब है और वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आता, केवल वर्ब से पहले ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। और यहां पर जो सी आया हुआ है ये गलत है, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा। लेट आई कुक फूड, ये भी गलत है क्योंकि यहां पर आई लिखा हुआ है, यहां पर मी होना चाहिए। हम दूसरे नियम की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं। हमारा दूसरा रूल हमें ये बताता है कि विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली, नन, ऑल एटसेट्रा, वी यूज दैट एंड नोट विच और हु एज रिलेटिव प्रोनाउन। इस नियम में हमें यह बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, ऑल, नन, एनी, एवरीथिंग, द सेम, द सेम को भी मेरे साथ आप ऐड कर लीजिए। उनके बाद में डेट आता है, विच और हु नहीं, ओनली विच वर्क्स हार्ड विंस, यहां पर विच गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा डेट। ऑल विच मैटर्स इज यू ज्वाइनिंग द टीम, ये भी गलत है, इसकी जगह पर ऑल आने के कारण डेट आएगा। तो आपको ये याद रखना है, आप मेरे साथ नोटबुक में ले सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव ओनली, ऑल, द सेम, एवरीथिंग, नन, एनी, इनके साथ में हु और विच का प्रयोग नहीं होगा, डेट आएगा। हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ रूल में थोड़ा करेक्शन करने की आवश्यकता है, मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे पास में कुछ कंजक्शंस होते हैं और वे दो प्रकार की नाउन, दोनों नाउन सिंगुलर हो सकती हैं
या प्लूरल हो सकती हैं, या एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो सकती हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। अब हम इस रूल को पढ़ते हैं, फिर आगे मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। वेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाई और नोर नाइदर नोर द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी इन द सिंगुलर। देखो मैं यहां पर हम इस सिंगुलर वर्ड पर मार्क करते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि नाइदर नोर आइदर और नोर और से यदि हम दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं तो जो प्रोनाउन उनके लिए आएगा वह सिंगुलर होगा। अब यहां देखते हैं, देखो नाइदर अहमद नोर अली हैज, देखो यहां तक सही है, नाइदर अहमद नोर अली हैज डन देहर वर्क। यहां पर हमारे लिए ये देहर गलत है, यहां पर क्या सही होगा हिज। आपको कारण समझाऊं, देखो यहां पर नाइदर आया अहमद और नोर अली लिखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है हम ये समझते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना, नाइदर और नोर के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, लेकिन मैं आपको कारण समझाता हूं। नाइदर और नोर इसका यूज होता है दोनों में से एक भी नहीं, इस अर्थ में दोनों में से एक भी नहीं, तो दोनों की तो बात कर ही नहीं रहा, दोनों में से एक भी नहीं, यानी कि प्रश्न कितने हुए ओनली वन, तो वन के लिए यानी एक आदमी के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं और उसका पसेजिव एडजेक्टिव हिज का यूज करेंगे। उसी तरह आइदर खालिद और मोहसिन हैज रिच्ड देहर टारगेट्स, यहां पर देहर गलत है, कारण वही, यहां पर हिज सही होगा। आपको याद रखना है इस कंडीशन में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करें। हम रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन द सिंगुलर। अब यहां समझिए, देखो हम पहले चीज को समझते हैं, द एक्टर एंड सिंगर, यहां पर दो नाउन हैं जिनको एंड से जोड़ा गया है और इन दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले नाउन से पहले हुआ है। इसका आपको अर्थ समझना है कि ये एक्टर और सिंगर यानी ये एक ही आदमी है, यहां पर दो नहीं है। अब ये दो कब होते, जब इस सिंगर के आगे भी कुछ आर्टिकल का यूज होता तब ये दो हो जाते। ये बात समझ रहे हो, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों में से एक के आगे ही आर्टिकल का यूज हुआ है तो हम इसको एक मानेंगे, और दोनों के ही आगे अब एक मानेंगे तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और दोनों के आगे आर्टिकल का यूज हुआ है तो हम उसको प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल मानेंगे तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। इस कंडीशन में हमें देखना चाहिए, देखो यहां पर देहर गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, देहर गलत है, इसकी जगह पर हिज का प्रयोग होगा। वैसे ही देखो आप यहां पर द फादर एंड ब्रदर इज वेरी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी। अब द फादर एंड ब्रदर, देखो यहां समझते अपन, फादर एंड ब्रदर यानी पिता और भाई, यहां पर एक पिता भाई भी हो सकता है और एक भाई फादर भी हो सकता है, तो ये एक ही आदमी के लिए बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे सामने हिज का प्रयोग करेक्ट होगा, देहर गलत होगा। हम रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स एंड जॉइंड बाई एंड रेफर टू द डिफरेंट पीपल और थिंग द प्रोनाउन यूज
फॉर दे मस्ट बी प्लूरल। देखो वही पहले वाले नेम से थोड़े आगे हैं, बोथ सजाद एंड खालिद हैव डन हिज वर्क। अब यहां पर कैसे आएगा, देखो दोनों ही पर्सन अलग अलग हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, बोथ एंड से जुड़े हैं, बात एक ही है, तो यहां पर ये गलत है, हिज नहीं आ सकता, यहां पर देहर सही होगा, ये गलत होगा क्योंकि दो व्यक्तियों को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सजाद एंड मोहसिन हैव ईटन हिज मैंगोज। देखो दो आदमी हैं, दो नाउन हैं, दोनों को एंड से जोड़ रहे हैं, तो यहां पर ये हिज गलत होगा, देहर करेक्ट होगा, यानी कि दो नाउन को डिफरेंट नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन आता है उनके लिए। आगे देखते हैं अपन रूल नंबर 9, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। देखो यह बात अच्छी तरह समझनी होगी, कोई भी प्रोनाउन हो वो अपने एंटीसीडेंट के साथ में, अब देखो एंटीसीडेंट क्या होता है हमें उसे समझेंगे, और एंटीसीडेंट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला। यहां पर हमें क्या करना है, देखो ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है और इसका कारण समझते हैं। देखो दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज, उन बच्चों में से प्रत्येक, तो ईच हमारा कौन सा नंबर है, देखो इसका यहां से हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो सब्जेक्ट वर्ब से पहले आने वाला है, यहां से ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, और इसका हेड वर्ड है वो ईच है। इसको मैं समझाता हूं, देखो ये हमारी जो फ्रेज है, इस फ्रेज में ईच ऑफ दीज बॉयज, उन लड़कों में से प्रत्येक, यहां पर ईच उसका हेड वर्ड हुआ, आपको एक बात समझनी है, जिस फ्रेज में ऑफ हो और सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हो तो उसके आगे वाला वर्ड हम देखते हैं, तो यहां पर ईच सिंगुलर है उसके लिए देहर गलत होगा, यहां पर देर की जगह ही जाएगा। अ गर्ल इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आईज, अ गर्ल। देखो इसमें कहां पर गलती है हम देखते हैं, गर्ल के लिए हिज का प्रयोग किया गया है, देखो जबकि ये बॉयज के लिए होता है, गर्ल के लिए हर आएगा, ये वाला करेक्ट होगा, ये गलत होगा। ओके हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग एजरेंड शुड बी पुट इन पसेजिव केस। बहुत ही अच्छा और हमेशा कंफ्यूजन करने वाला रूल है। पहले तो हमें ऐसा प्रोनाउन या नाउन जो जरेंड से आगे आया है वो हमेशा पसेजिव केस में होगा। देखो प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। अब यहां पर हम समझते हैं, देखो यहां पर हमारे सामने बीइंग वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये बीइंग लिखा हुआ है, ये जरेंड है, जरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ देते हैं और वो फॉर्म नाउन की तरह यूज में हो तो उसे हम जरेंड कहते हैं, यानी जरेंड नाउन होता है। अब देखो नाउन के साथ में पसेजिव केस का प्रोनाउन आएगा, एक्सक्यूज, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, यहां पर करेक्ट मी की जगह पर माई होगा, काइंडली कंसिडर ही कमिंग इन द टी। देखो यहां से क्या हमें क्या करना है,
काइंडली कंसिडर, कृपया कंसिडर कीजिए इज कमिंग इन द टीम। तो यहां पर ही कमिंग नहीं होगा, कमिंग के साथ में पसेसिव केस के प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रूल नंबर 11, ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, वन अनदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। बहुत ही अच्छा रूल है ये। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए बात करते तब आता है, और वन अनदर दो से अधिक के लिए बात करते हैं तब आता है। अब देखो, टू सिस्टर्स लव्ड वन अनदर, ये गलत होगा। यहां पर वन अनदर गलत है क्योंकि टू सिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। वी मस्ट हेल्प ईच अदर, देखो वी दो से ज्यादा है, अंडरस्टूड है, यहां पर मेंशन नहीं किया गया तब भी, तो वी के लिए ईच अदर नहीं वन अनदर होगा। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। आइदर और नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी नो वन नन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन्स। आइदर और नाइदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए बात करें तब होता है, एनी नो वन और नन का यूज दो से अधिक के लिए बात करें तब होता है। एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स, देखो दो रोड्स की बात करते हैं, लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, इनकरेक्ट है, एनी वन नहीं आएगा, यहां पर आइदर आएगा। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, या दीज थ्री, थ्री आने के कारण यहां पर नाइदर का यूज नहीं होगा, नो वन। अब यहां पर देखो, नो वन दो से अधिक के लिए नेगेटिव अर्थ में, नाइदर दो के नेगेटिव अर्थ के लिए। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द सेंटेंस इफ यूज्ड एट ऑल। देखो ये बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला रूल है। आपको एक बात याद रखनी है, हमारे जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ही की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन केवल मात्र एक ही ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसके अपने खुद के पसेसिव केस होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो हम उसी को यूज करेंगे। यानी कि वन के लिए हिज गलत होगा, वन के लिए वंस करेक्ट होगा। वन मस्ट नोट बोस्ट ऑफ इज ओन सक्सेस, वन मस्ट नोट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। वन शुड फोकस ऑन इट्स, वन के लिए इट्स आ ही नहीं सकता, गलत होगा, ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पर हिज गलत है, बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम में आता है और हम गलती कर बैठते हैं। रूल नंबर 14 की तरह बढ़ते हैं। इम्पेथेटिक प्रोनाउन, पहले तो हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेथेटिक प्रोनाउन एक जैसी फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका यूज हमें बताता है कि ये इम्पेथेटिक है और अथवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यूज कैसे बताता है उसको समझते हैं अपन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबके लास्ट में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ होगा वर्ब के बाद में होगा, और इम्पेथेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले होगा। हरसेल्फ, और यह भी याद रखना है आपको, देखो इम्पेथेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ एटसेट्रा कांट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह बीओ में नहीं आएंगे, नहीं होंगे। देखो हिमसेल्फ डिड इट, ये करेक्ट होगा, हिमसेल्फ डिड इट ये करेक्ट हो सकता है, ये इम्पेथेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले आया है लेकिन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हर सेल्फ सेड दैट इनकरेक्ट है, सी हर सेल्फ सेड दैट यस करेक्ट है। यदि इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हम यूज करना चाहते हैं तो सी सेड दैट हर सेल्फ, हर सेल्फ सबके लास्ट में होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ अ प्रीपोजिशन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, सीधा सा है। जब भी कोई प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्ट या वर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इधर यूज होता है, तो उस समय हम उसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। लेट यू एंड आई डू इट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट के बाद में यू ऑब्जेक्टिव केस में। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, सब्जेक्टिव केस की फॉर्म भी यही बनती है। एंड आई, आई गलत है, यहाँ पर मी होगा। दी चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड मी, यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर वर्ब है, फॉर यू फॉर प्रीपोजिशन है, यू उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आई गलत होगा, इनकरेक्ट है, यहाँ पर मी करेक्ट होगा। व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी टू बी, इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। बहुत ही अच्छा है, जब कोई भी प्रोनाउन यदि बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सब्जेक्टिव केस में होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ देखिए, इफ आई वर हिम, यहाँ पर वर्ब वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म है और उसका कॉम्प्लीमेंट हिम है, तो हिम हमेशा कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज नहीं हो सकता बी के साथ में, यहाँ पर ही करेक्ट होगा। एंड इफ आई वर ही, इफ आई वर हर, यहाँ पर हर गलत है, यहाँ पर सी होगा, इसे भी आप याद रखिए। से, स्पीक, सजेस्ट, प्रोपोज, एक्सप्लेन, लिसन, राइट, टॉक इज फॉलोड, टू प्रीपोजिशन, इफ देयर इज अ प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट रिप्लाई मी, इनकरेक्ट है। देखो रिप्लाई वर्ब है, ये इस इन वर्ब्स को आप याद रखिए, और इनके बाद में यदि कोई प्रोनाउन आए तो उसके पहले टू आती है। ही डिड नॉट रिप्लाई मी, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ये करेक्ट होगा। शी डिड नॉट राइट टू अ लेटर, ये इनकरेक्ट है। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये करेक्ट होगा। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स, देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, वे वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिकुल, एटसेट्रा, वी डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट एंड नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, इनके बाद में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट, ये गलत है, अबाउट नहीं होगा, अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेशन इन इज इन दिस पोइम। ही टेल्स अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, ही टेल्स अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर अबाउट गलत है, ही टेल्स द इंडियन हिस्ट्री। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होम, होम से पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। एट होम इज अ फ्रेज विच मीन्स कंफर्टेबल, एट होम ऐसी फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कंफर्टेबल। वी बोट अ डीवीडी सेट एट होम, ये गलत है, यहाँ पर होम का प्रयोग होगा, एट नहीं आएगा। वी बोट अ डीवीडी सेट होम, आई एम गोइंग टू होम, ये गलत है, आई एम गोइंग होम। अभी हम एक फ्रेज का यूज करते हैं, स्टे एट होम, जो हमारे कोरोना महामारी के कारण हमारी सरकार ने संदेश दिया है कि आप घर पर रहिए, तो स्टे एट होम का अर्थ हुआ आप घर पर आराम से रहिए। ये बात ध्यान से समझिए आप। वैसे होम से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, अगर एट आया हुआ है तो इसका अर्थ होता है आराम से घर पर। ऑन, इन, एट आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, एटसेट्रा। इनके आगे प्रीपोजिशन का यूज ऑन, इन, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। ही विल गो देयर ऑन टुमारो, यहाँ पर टुमारो से पहले ऑन लिखा हुआ है, वो गलत है, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। आई विजिटेड हर एट यस्टरडे, ये भी गलत है, यहाँ पर यस्टरडे से आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा।
इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के रूल्स के बारे में डिस्कस किया है। आगे आने वाली वीडियो में इसके जो शेष बचे हुए रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इनको नोटबुक में लिखकर नोट्स बना लें और बार बार पढ़ते रहें और अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाए। बेस्ट ऑफ लक।